हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक राजपूत और आपका मेरे चैनल TRX विवेक हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत स्वागत है। आज की एक और नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोपैक्स टैबलेट के बारे में। लोपैक्स टैबलेट जो है, जो कि जिसमें लोपेरामाइड कंपोजिशन मिला हुआ है, जो कि डायरिया की प्रॉब्लम जो होती है, लूज मोशन वगैरह जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम जो होती है, उनको ठीक करने में ये मदद करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके यूजेस, प्राइस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, कंपोजिशन, बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरी और एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके लोपैक्स टैबलेट के बारे में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिस ना हो आपकी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि लोपैक्स के इस्तेमाल करने के सही तरीके की बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल DRXVIVEK हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार हो सकती है। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिस ना हो और बहुत सारी ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने की सबसे पहले सही तरीके की। तो देखिए नॉर्मल इसको लोपैक्स को 18 साल से ऊपर सुबह शाम एक ही टैबलेट डॉक्टर के तौर पर स्क्राइब किया जाता है या फिर किसी मेडिकल स्टोर से भी आप इसको फार्मासिस्ट की परमिशन से भी आप परचेज कर सकते हैं और इसको 10-18 साल के बीच में भी एक एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। नॉर्मली इसको बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, बड़ों में जो इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ इसके साथ और टैबलेट जैसे कि नॉफ्लॉक्सासिन के साथ है ना, या फिर ऑफलॉक्स हो जाए टैबलेट्स वगैरह, ऐसी कुछ टैबलेट्स जो कि जैसे हम लोपेरामाइड इसके बाद एक दो टैबलेट्स डोजेस के साथ फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिकल स्टोर से दी जाती है। लोपेरामाइड बच्चों को भी आप चाहें तो आप मरीज दे सकते हैं, जैसे 5 साल से 10 साल 18 साल के बीच में बच्चों को दिया सकता है। इससे छोटे बच्चों को आप बिल्कुल भी डॉक्टर की परमिशन से बिल्कुल भी ना दें। तो देखिए लोपेरामाइड 2 mg का होता है, ज्यादा कोई हैवी नहीं होता है, नॉर्मली 2 mg का होता है। तो डॉक्टर के द्वारा कभी कभी बच्चों के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके नॉर्मल डोजेस मैंने आपको बता दी, सुबह शाम खा सकते, खाली पेट खाना खाने के बाद कैसे भी इस टैबलेट को आप चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं लोपैक्स टैबलेट की साइड इफेक्ट वगैरह की। तो देखिए नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आप मिस यूज या फिर ओवर डोज यूज टैबलेट की लेने की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए जिस प्रकार से आपको या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं या कोई फार्मासिस्ट जो होते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले वो आपको सलाह देते हैं, उसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। सबके मिस यूज या ओवर डोज बिल्कुल भी नहीं लेनी, नहीं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेट में दर्द होना, जलन होना, घबराहट, बेचैनी होना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डायरिया वाले वगैरह की, लूज मोशन की दिक्कत हो रही है, थोड़ा खान पीन पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि खान पीन की वजह से ही डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है। जब आपका खान पीन सही नहीं होता, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर की तेल वाली चीजें, तली हुई चीजें, ये सब चीजें जब ज्यादा आप सेवन में लेते हैं तो आपको ये सब समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप खान पीन पे आपको जरूर ध्यान देना है। आप खान पीन पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक ये समस्या धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन की, रैपर्स पे क्या जानकारी डली हुई है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे लोपेरामाइड डाला हुआ है, इसका कंपोजिशन लोपैक्स, इसकी ब्रांड नाम लिखा हुआ है ईस्लिम कोटेड टैबलेट जो है, ईज अनकोटेड टैबलेट जो है, जो कि यहाँ पे लोपेरामाइड 2 mg में से मिला हुआ कंपोजिशन, डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, स्टोरेज इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, कीप द मेडिसिन आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कौन से मेडिसिन वगैरह को दूर रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी प्राइस की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है इसकी 2023, एक्सपायरी डेट यहाँ पे डली हुई है 2026 यहाँ पे डली हुई है। तो एमआरपी की बात करें तो 22 रुपए का ये स्ट्रिप देखने के लिए मिला, 2 रुपए का एक टैबलेट आपको कहीं पे आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको लोपैक्स टैबलेट के बारे में बताया जिसमें लोपेरामाइड कंपोजिशन है जो कि लूज मोशन डायरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, मदद मिली है तो वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मदद हो सके, और मेरे चैनल DRX विवेक हेल्थ एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार रहती है।
तो फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।